हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू दिस इज मनीषा फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ ट्रिंग फ्लेम एनर्जी चेकिंग देखते हैं आपके और आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी कहाँ है क्या कर रहे हो अपनी थ्री डी और फाइव डी लाइफ में और मैं थ्री डी फाइव डी मैसेजेस भी दूँगी और एंजल की गाइडेंस भी दूंगी और आपको चक्रास के लिए भी बताऊँगी जो भी हमको गाइडेंस मिलेगी इस रीडिंग में ठीक है सबसे पहले हम डीएम की लाइफ में देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे डीएफ क्या कर रही है और जो भी कार्ड आएंगे वैसे दिखते हुए आगे बढ़ेंगे हम अपनी रीडिंग को कंप्लीट करेंगे देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या गाइडेंस है प्रे कर लें मैंने कार्ड्स आप सबके सामने रख लिए हैं ठीक है मैं एक करके अब आपको मैसेज देती जाऊंगी सबसे पहले आपके काउंटर पार्ट के लिए देखते हैं क्या आता है जो लोग भी टैरो कोर्स करना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि कोर्स किस तरह से और कैसे करवाते हैं मैं वन टू वन कोर्स करवाती हूँ अभी आप वो ज्वाइन कर सकते हैं अभी काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है मुझसे इस वीक तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है कच्चा अच्छा कोर्स करना चाहते हैं तो जल्दी से मुझसे कंटेक्ट करें अब बताती हूँ मैं आपकी डीएम की एनर्जी क्या है आपकी डीएम की एनर्जी क्या है द एम प्रिंस यहाँ पे तो पहली बार में ही आप आ गई हैं मोहतरमा चलिए अच्छी बात है किंग ऑफ कॉइंस द मैन लेकिन ये जो एनर्जी हैंगमैन की यहां पे आई है कि ये मुझे पॉजिटिव मैसेज दे रही है इस बार कि जैसे कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है जिस तरह से आप अनकंडीशन लव में हो वैसे आपके पार्टनर भी अनकंडीशन लव में हैं और इसके साथ साथ उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है एट ऑफ वॉन्ट्स किंग ऑफ क्वेंट्स मुझे ये बताते हैं ये जो कार्ड्स हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी आपकी कोई मुलाकात होने वाली है लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं काफ़ी खुश हैं वो इस बात को लेके कि आप मिलने वाले हो कोई ऐसी बात उन्होंने बोली है या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो वो इस वक्त आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि इस वक्त उनको आपकी याद आ रही है यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है तो डेफिनेटली ये दिखता है कि इनको एहसास हुआ है कि आपके बिना नहीं रह सकते हैं इस वजह से ये फिर से वापस आने के बारे में सोच रहे हैं बहुत से लोगों का कॉल मैसेज आ सकता है आपके डीएम की तरफ से आपकी भी एनर्जी देख लेते हैं रीडिंग के स्टार्ट में ही कि आपकी एनर्जी क्या कहती है द व्हील ऑफ फॉर्चून वेरी गुड बिग एंड हैप्पी चेंजेस और आपकी लाइफ में भी मुझे ऐसा दिख रहा है ट्रेवल हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिलने की प्लानिंग कर रहे हो ट्रैवलिंग उधर भी आ रहा है आपकी साइड से भी आ रहा है। अगर ये ट्रैवलिंग नहीं भी है तो डेफिनेटली इतना जरूर है कि अब आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है मीन्स एक लक आ रहा है यह आप अपने काम से रिलेटेड भी कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं द मून थोड़ा सा आपको हीलिंग पे भी ध्यान देना है अपनी हीलिंग को बंद ना करें मूड स्विंग होंगे आपके बीच बीच में जो हमारी डिवाइन फेमनिन है तो मुझे ऐसा दिख रहा है अभी भी मूड स्विंग हो रहे हो आपके तो आप हीलिंग थोड़ा सा कर सकते हो अपनी क्लींजिंग प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दें अपनी स्ट्रेंथ डेफिनेटली आ रही है यहाँ पे कार्ड है द हैंग्ड मैन यहाँ पे कार्ड आया है द स्ट्रेंथ यहाँ पे कार्ड आया द एम्प्रेस यहाँ पे कार्ड आया द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये दोनों ही कार्ड आप इस तरह से ही देखें आप उनकी लाइफ में आप आ पा रहे हो और आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है कोई अच्छा गिफ्ट आपको मिल रहा है कुछ ऐसी चीज़ आपको अभी मिली है अपनी लाइफ में क्योंकि आपने काफ़ी स्ट्रेंथ रखी थी पास्ट में भी आज भी आपके पास वो स्ट्रेंथ है अगर मूड स्विंग होते हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है कोई ऐसा पर्सन आपको भी तंग कर रहा है तो वहाँ पे स्ट्रेंथ रखो पेशेंस रखो और आपके अंदर वो है भी चीज़ें ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है द हाई प्रिस्टिस द मून कार्ड के नीचे आ रहा है द हाई प्रिस्टिस कार्ड वेरी इंटिव पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा इंटूशन हो रही है बहुत ज़्यादा मैसेज चैनल हो रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं और सपनों के थ्रू एंजल नंबर हो या कहीं पर भी कुछ भी आपका ध्यान बार 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 दिया जा रहा है आपके एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं ये जो कार्ड्स मैं देख रही हूँ आप देखिए मेजर आरकाना के ही कार्ड आए हैं बिल्कुल एक बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में बिग एंड हैप्पी चेंज ये अभी की ही बात है ज्यादा लंबी बात नहीं है कुछ बड़ा करने के बारे में आपने भी सोचा होगा कुछ ऐसी प्लानिंग की है आप वो चीज़ करने वाले हो क्योंकि आपको ये गाइडेंस मिली है यूनिवर्स की ओर से कि आपको यहाँ पे करना चाहिए बट बीच में आप थोड़े से हो सकता है वो काम करने के लिए आपको मूड स्विंग हो रहे हैं या कभी कभी बीच में डाउट आने लग जाते हैं फियर आने लग जाता है एंगजाइटी होने लग जाती है तो स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है आपको अभी और देख लेते हैं डीएम की साइड से देरफेंट कार्ड आ रहा है और यहाँ पे एट ऑफ कप आ रहा है द लवर्स पेज ऑफ कम ठीक है इस वक्त आपके जो डीएम है वो आपके साथ रिलेशन में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं यूनियन के बारे में हंड्रेड परसेंट सोच रहे हैं दोबारा भी हमको सेम मैसेज ही मिला है आपके पर्सन की तरफ से कि वो अब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ठीक है लाइफ में भी जो डेली लाइफ है वहाँ पे भी वो सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं जॉब करियर के ऊपर अभी उस वक्त इतना ध्यान नहीं है पर्सनल प्रॉब्लम वो नहीं देख रहे हैं इस वक्त आपके बारे में ही सोच रहे हैं आपको मैसेज करना आपको मिलना सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही अब 24 घंटे ख्याल आ रहा है उनका और कोई स्ट्रेस उनको है नहीं इस वक्त आज की एनर्जी में यही दिख रहा है करियर में भी मैंने देखा थ्री लाइफ में भी मैंने देखा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो डिवाइन फैमिलन के लिए सोच रहे हैं मिलने के लिए सोच रहे हैं इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं अब मैं आपका भी देख लेती हूं आपके बारे में आपका क्या ख्याल है डीएम के बारे में आप डीएम के बारे में क्या सोच रहे हो लाइफ में तो आप बिजी हो करियर में भी बिजी हो ये देख लिया है। अब डीएम के बारे में भी देख लेते हैं क्या है आपकी सोच डीएम को लेके गुस्सा देखा द डेविल कार्ड आ रहा है आपके लिए ये मेरी जो रीडिंग आपने देखी है दो दिन पहले ही उसकी वजह से तो नहीं आ रहा गुस्सा <laughs> क्योंकि इस वक्त थोड़े से आप नेगेटिव हो रहे हो आई थिंक अपने डीएम को समझने में गलती कर रहे हो कोई तो अभी थम जाइए नेगेटिव नहीं सोचना है आपको इस वक्त तो क्योंकि गुस्से अग्रेशन में अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हो सकता है वो आपके लिए गलत हो जाए ठीक है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो अगेन द हाई पेस्टिस कार्ड आ रहा है अपनी इंट्यूशन को समझो और इंट्यूशन और आप ये भी सोचो थॉट जो आपकी सोच है विचार है जो फ़र्क होता है अपनी विचारों को अपनी इंट्यूशन में समझ लेना कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रही है आपके आसपास आप क्लिनजिंग और प्रोटेक्शन के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखेंगे ठीक है क्योंकि मुझे ऐसे चांसेस है कि इस वक्त कोई आप गलती ना कर दें डी को संभलने की ज़रूरत है क्वीन ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है अब अप, आपको अपनी एनर्जी पे ही रहना है एज अ क्वीन बने रहना है और अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना है कोई भी गलत डिसीज़न गुस्से में आके नहीं लेना है गुस्सा आपको इन दिनों आ सकता है और ऐसा ना हो कि आप गुस्से में वो चीज़ कर दें जिसके लिए आपको पछताना पड़े ये आपके डीएम के लिए मैं कह रही हूँ प्रोटेक्शन दीजिए अपने डीएम को अगर आप गुस्से में नहीं भी हैं तो आपको अपने डीएम को प्रोटेक्शन देना चाहिए उनको हीलिंग सेंड करें उनके लिए ब्लेसिंग लें ठीक है एम्पर की एनर्जी में हो आपका जो डिवाइन मस्कुलिन है ना वो अब ज़्यादा एक तो होता है ना कि फेमिनिन बहुत ज़्यादा है इस वक्त आपके अंदर मस्कुलिन स्ट्रोंग हो रही है बट आपको बैलेंस लेके आना है आपको ज़रूरत से ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी में भी नहीं जाना इसी को ही हम हमेशा बैलेंस करने को बोलते हैं ठीक है अभी भी एनर्जी मुझे थोड़ी सी डी की लग रही है कि उनको अपनी एनर्जी के ऊपर विचार भिच, करने की ज़रूरत है डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी बिल्कुल ठीक है मैं डीएफ की साइड भी एक कार्ड निकालना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए कार्ड आ रहा है अपराइट आया है डिवाइन मस्कुल ट्रैक पे हैं आपके जो मस्कुलिन हैं, वो सही काम कर रहे हैं अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं उनसे तो आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है तो so, डी के लिए आ रहा है कार्ड द गार्डनर डेफिनेटली इस वक्त टाइम है हार्डवर्क करने का और पॉजिटिव रहने का ताकि आने वाला टाइम आप इस रिलेशन के लिए ठीक है मैं अभी रिलेशन के लिए ही देख रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा देखा था इंबैलेंस दिख रही है हमारी डी तो अभी आपको अपने ऊपर पॉजिटिव विचार ही रखने हैं और अपनी थोड़ी सी फैमिल एनर्जी लेके आओ ठीक है मस्कुलिन एनर्जी तो बहुत अच्छी है पर वो ज़्यादा हावी हो रही है आपके ऊपर तो बैलेंस कर लो थोड़ा सा कम कर दो मस्कुलिन को फैमिलिन को थोड़ा सा बढ़ा दो वो कम हो रही है आपकी और यहाँ पे गार्डनर दिखा रहा है कि पॉजिटिव सोस के साथ ही आपको आगे चलना है ठीक है आप भी सही कर रहे हो ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो और माइनर सा मुझे लगा कि हाँ मुझे आपको बताना चाहिए खुद की भी प्रोटेक्शन रखो अपने और की प्रोटेक्शन रखो जो मैं आपको काफ़ी बार बता भी चुकी हूँ मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं आपको वैसा ही करना है और पॉजिटिव विचार रखो ठीक है ताकि आप नेगेटिव ना हो जाए क्योंकि इस वक्त ये भी हो सकता है कि आपको कोई सामने से आके परेशान करे और आपको गुस्सा आ जाए और आप कुछ ऐसा ना कर दो बस ये एक दिक्कत मुझे नज़र आ रही है और रही बात अभी आपके मस्कुलिन बिल्कुल ट्रैक पे हैं सही जा रहे हैं आपके बारे में ही सोच रहे हैं पॉजिटिव हैं और आपको भी पॉजिटिव रहना है और इस रिलेशन की ग्रोथ के लिए ही सोचना है अभी आप कट ऑफ कर रहे हो तो कट ऑफ नहीं हो पाएगा भागना नहीं है क्योंकि कई बार क्या होता है हम थोड़ा सा स्पेस देने को बोलते हैं तो हो सकता है आपको लगता है ब्रेकअप ब्रेकअप नहीं हो, हो सकता है ऐसे रिलेशन में ब्रेकअप के लिए नहीं बोलते हैं कभी कभी स्पेस दी जा सकती है उनको उनकी सोच के साथ छोड़ा जा सकता है कि वक्त आने दो वो खुद में खुद ही समझ जाएंगे। तो अभी जो आपके मस्कुलिन हैं वो समझ रहे हैं और आपको भी उतना पॉजिटिव उनके लिए रहने की ज़रूरत है अभी मैं देख लेती हूँ थ्री में आपके मस्कुलिन आपको क्या कहना चाहते हैं थ्री मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के थ्री में वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं डी के लिए क्या मैसेज है डी का डी के लिए क्या मैसेज है वाओ देखिए वो चांस चाहते हैं वो चाहते हैं आप उनसे बात करें और इस रिलेशन को आगे बढ़ाएं इस रिलेशन को ना तोड़ें उन्होंने जो गलती की है तो वो सॉरी बोल रहे हैं उसके लिए कि आप उनको माफ़ कर दें अपने रिलेशनशिप को एक चांस दें और इस पार्टनरशिप के ऊपर काम करो क्योंकि मुझे लगता है गुस्से में आपने धमका तो नहीं दिया आपने डीएम को तो अभी वो आपसे एक चांस चाहते हैं ये वो थ्री डी मैसेज आपको दे रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं और अगर मिलने की बात करें वो चाहते हैं कि आप उनको हाँ कर दो ये कौंसिलेशन अगेन मैंने पहले ही बोला है कि वो बात करने के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे भी थ्री डी मैसेजेस आप देख सकते हैं कि वो दोबारा से रिलेशन को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं उनको एहसास हो गया है कि आप उनके आपका उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये थ्री मैसेज है और वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं वो चाहते हैं आप उनसे मिलो थ्री डी मैसेज दे रही हूँ अभी मैं डी का भी दे देते हैं डी को क्योंकि डी भी देखते हैं हमारे रीडिंग तो देख लेती हूँ आपकी डी डी एफ आपको क्या कहना चाहती है आपकी डी एफ बहुत कुछ कहना तो चाहती है बट जो कहना चाहती है मेन बात ना करके वो इधर उधर की बातें करती हैं आपसे <laughs> ये मुझे दिख रहा है और लव योर सेल्फ फर्स्ट आप उनको अभी भी लेसन सिखाने पे लगे हुए हों वो लेसन सीख गए हैं ठीक है आपकी डी एफ आपको कह रही है कि अपने आप से प्यार करो क्योंकि आपको लगता होगा कि वो अपने आप से प्यार नहीं करते हैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं तो इस वक्त अभी हंटर लेके बैठी हुई है डी एफ थ्री डी मैसेजेस में भी वो आपको अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देने के लिए बोल रही है चिल्ड्रन हो सकता है आपने बोला है अपनी फैमिली के बारे में सोचो चिल्ड्रन भी मुझे दिख रहे हैं आप बच्चों के बारे में सोचो ये सब नसीहतें दे रही हैं इस वक्त डी एफ बिल्कुल डीएम के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं ठीक है अगर कोई डीएम की बात करेगा तो उनको गुस्सा भी आ सकता है अगर आप उनको मिलने की बात करोगे तो इस वक्त डीएम डीएफ मिलना नहीं चाह रही हैं ऐसा मुझे आपकी डीएफ की रीडिंग में दिख रहा है और देख लेते हैं फाइव डी आप हायर सेल्फ का भी मैसेज ले लेते हैं एक दूसरे के लिए पहले मैं मैसेज देना चाहती हूँ डीएम का हायर सेल्फ डीएफ को क्या कहना चाहता है डीएम का हायर सेल्फ डीएफ को क्या कहना चाहता है फॉरगिवनेस देखिए आपको माफ कर देना चाहिए अपने डीएम को हायर सेल्फ का ऑर्डर आ गया है आ ये बात तो माननी पड़ेगी ठीक है आप यकीन गुस्से में कुछ गड़बड़ ना कर दो आपको माफ़ करना सीखना होगा अपने डीएम की गलतियों को माफ़ करना होगा तभी आप अपने इस प्यार की जो ताकत है उसको एक्टिवेट कर पाएंगे और अपने जो हॉट्स हैं पास्ट में जो उन्होंने किया है वो चीज़ें रिलीज़ कर पाओगे एक्चुअली अब वो सब बातें याद रख के खुद को परेशान कर रहे हो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए अभी मैं दूंगी एक और मैसेज डीएफ का हायर सेल्फ डीएम को क्या कहना चाहते हैं ये मैसेज ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं डीएफ का हायर सेल्फ डीएम को क्या कहना चाहता है ओनरशिप <laughs> आप चाहते हैं कि वो अपने फैसले लेना सीखे आपका मींस हायर सेल्फ क्योंकि ये हमेशा दूसरों के कंट्रोल पे जो नाचते रहते हैं ना अभी भी हो सकता है डीएम जो हैं वो दूसरों की बातों को सुन जाते हैं मिसडीड करते हैं और चीज़ों को बीच में छोड़ देख के चले जाते हैं मिस इनकम्प्लीट रहते हैं उनकी तरफ से तो ये चीज़ें डीएम को ध्यान रखना है कि इस बार अगर डी मौका दे तो आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी हैं जो पहले आप कर चुके हैं डीएफ के साथ क्योंकि आपको भी आपने काफ़ी लेसन सीखे भी हैं आगे भी आप सीख रहे हैं तो ये जो डीएफ का हार सेल्फ है वो यही चाहता है कि डीएफ के साथ किसी भी तरह का अब मिसबिहेव वो नहीं सहेंगी वो कट ऑफ कर देंगी भले ही फिर आप कहीं के भी डिवाइन मस्कुलिन क्यों ना हो ऐसी <laughs> एनर्जी मुझे डर की दिख रही है शेडनी टाइप आना तो ठीक से है नहीं तो जाओ का फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी एनर्जी में है और डेफिनेटली हायर सेल्फ का मैसेज भी तकरीबन वैसा ही निकला है आज की रीडिंग में गाइड के मैसेज देख लेते हैं गाइड के क्या मैसेज आते हैं आपके लिए लव इज़ योर एनर्जी बिल्कुल आपका प्यार ही आपकी ताकत है या आपके गाइड आपको बताना चाहते हैं प्यार करो एक दूसरे को प्यार करने से मत रोको गुस्सा है मानते हैं किया भी है डीएम ने ऐसा वो चीज़ें आपको बार बार याद आ रही हैं बट माफ़ करने की कोशिश करो हर एक चीज़ आपकी लाइफ में काउंट हो रही है आप जो अच्छा करेंगे वो भी काउंट होगा इस वक्त तो ध्यान रखें आप अननेसेसरी कोई मिस्टेक ना कर देती है ठीक है एग्जाम्पल को सेट करो ये आपको गाइड आपके बोल रहे हैं और लाइक अट्रैक्ट लाइक पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव मिलेगा अपने सच को जानने की कोशिश करो ये जो गाइड के मैसेज दे रही हूँ ये जो व्यू कर रहे हैं इस वक्त मेरी वीडियो ठीक है चाहे आप टी एम हो चाहे आप टी एफ हो आप व्यूअर हैं तो ये मैं आपको मैसेज दे रही हूँ कि आपको गाइड कह रहे हैं कि वो करो जो करने में आपको खुशी मिले अपने सच को जानने की कोशिश करो डेफिनेटली अगर अपना सच जानना है आपको वो काम करके अच्छा लगेगा जो करने के लिए आप यहाँ पे आए हो जो काम करना आपको पसंद नहीं है आप वो काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा फील नहीं होगा ठीक है आप जो दरिया दिल दिखा रहे हो इस वक्त फॉरगिवनेस दिखाओगे तो वो भी काउंट की जाएगी ऐसा मैसेज आ रहा है और ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखें ये भी गाइड इस वक्त आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको एक ऐसा एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है अब मैं सिर्फ गाइडेंस दूंगी आप लोगों को एनर्जी मैंने बता दी है अब हम देख रहे क्या क्या गाइडेंस आपको इस हफ्ते करनी है कितने मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं जो नहीं हो रहे आप वो छोड़ दो जो रेजोनेट होते हैं वहाँ इम्प्लीमेंट करो और गाइड क्या करना चाहते हैं फेथ रखो पेशेंस रखना है चीजें आपको मिलेगी क्योंकि आप करियर के लिए मुझे लगता है ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हो और जो भी आपकी आपका ख्याल रखने के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो आपको दे दी जाएंगी ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है और मैसेज देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है देखिए जो पुराने बैगेज आप लेके आ रहे हो वो रिप्लेस होने वाले हैं पास्ट लाइफ बैगेज से रिलेटेड भी हो सकता है पास्ट इश्यूज अभी इस लाइफ में भी जो पास्ट की मेमरीज हैं वो रिप्लेस तो होने वाली है जल्दी ही ऐसा मुझे दिख रहा है जो भी ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में वो रिमूव हो जाएगी और फ्रूटफुल सिचुएशन आपको मिलेगी जो भी अब तक ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रही हैं लाइफ में उनका मुझे दिख रहा है एंड हो रहा है मुसीबतों का वाओ गुडे लक्ष्मी फीट अगेन ये कार्ड आ रहा है आपकी रीडिंग में तो आपको देखो मनी से रिलेटेड कुछ मिलने वाला है दो दिन पहले भी मैंने ऐसा ही कुछ रीडिंग में देखा था तो डिवाइन फैमिनिंग आपको बहुत जल्दी ही अबंडस मिलने वाली है मिटिलिस्टिक गेन मिलने वाला है अच्छी जॉब अच्छा बिजनेस अच्छा करियर मिलने वाला है पॉजिटिव वाइब्स आपको देनी है आपके पास पॉजिटिव वाइब्स ही आएंगी जो आप एनर्जी दूसरों को देंगे वही एनर्जी आपको मिलेगी और आपका ओरा और ज्यादा शाइन होगा और ऐसा भी दिख रहे हैं कुछ लोग आप में से फेमस होने वाले हैं और ज्यादा फेमस टीचर अवेकंस आपके पास कुछ ऐसा है आपके पास कोई ऐसी प्रतिभा है कि आप लोगों को शेयर करो और वो प्रतिभा को आप कैसे पहचानेंगे अपनी इनर वॉइस को फॉलो करो और किसी को भी आपको रोकने मत दो ना खुद रोको ना किसी की वजह से रुको ठीक है कोई रोकने आए तो अभी आपको रुकना नहीं है क्योंकि डेफिनेटली जब डिवाइन फैमिली में कुछ अच्छा काम करने जाती हैं तो आसपास की एनर्जीज आपके ऊपर अटैक करती हैं आपको रोकने की कोशिश करती हैं कभी फैमिली के रूप में कभी कोई भी ही हो सकता है आपके लिए टफ हो जाता है ऐसे में केयर एंड कंपेशन वाओ आप बहुत ज़्यादा कम्पेशन में आ रहे हो मीन्स प्यार से भी ज़्यादा अनकंडीशनल लव की अगर मैं बात करूँ यस आपने उस एनर्जी को एक्सेप्ट किया है आपके अंदर और करुणा आ रही है और इस वक्त आपको वो करना है जो सही है और दूसरों की अगर हेल्प कर सकते हो इस वक्त टाइम आ गया है अब आप में से कुछ डिवाइन फैमिलन के लिए भी अब आपको दूसरे लोगों की हेल्प करनी है कॉस्मिक गेटवे इस वक्त आप जो मांगोगे ना इस वक्त आपको मिल जाएगा तो अच्छी अच्छी चीजें मांगो जो आपको चाहिए चक्रस के लिए देख लेते हैं चक्रस के लिए क्या गाइडेंस आ रही है वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे दो कार्ड्स हैं क्रिएटिविटी दिखानी है लास्ट टाइम भी आया था ये कार्ड आपके आज भी आ गया फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ अपने आप को ज़्यादा मींस uh, ऐसा नहीं बनाना है कि एडजस्टमेंट ना कर पाओ अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो आसपास के लोगों के साथ और अपने सैकल चक्र के ऊपर अपने सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर काम करें इस हफ्ते जब तक कि मैं नेक्स्ट रीडिंग आपको नहीं दे देती हूँ तो यहाँ पे हो सकता है आपके अंदर जो फियर इश्यूज़ है जो मैंने स्टार्टिंग में देखा था मूड स्विंग होते हैं खुद को डाउट करते हैं तो आपको अपने एक तो क्रिएटिविटी दिखानी है ताकि जो आप काम कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा अच्छे से आप सोच पाएँ अच्छी प्लानिंग कर पाएँ अच्छी क्लैरिटी के साथ चलें पास की चीज़ों को भूल पाएँ जो चीज़ें आपको दुख देती हैं इसीलिए आपको फिर से वही कार्ड आ रहे हैं अभी भी वही हीलिंग करते रहे हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी इसके साथ साथ आपको अपने सैकल चक्रा के ऊपर ओ सॉरी सोलर प्लेस चक्रा के ऊपर काम करना है तो ये रीडिंग है इस हफ्ते हमारी डिवाइन फैमिलन के लिए डिवाइन मस्किल के लिए होप गाइस आपकी ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो इस तरह से आप कहीं ना कहीं एक अच्छा काम ही कर देंगे ताकि और और भी देखेंगे अगर आप लाइक करते हैं वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर